हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ क्लास के लिए है। ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मानव विकास, और मानव विकास के अंदर हमने उसके कंसेप्ट के बारे में और स्तंभ और उपागम के बारे में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव विकास का मापन, कि मानव विकास को किस प्रकार मापा जाता है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, मानव विकास का मापन, मानव विकास जो हमने देखा था वो तीन पक्षों पर आधारित है, कि तीन पक्ष देखे जाते हैं मानव विकास के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें होता है एक तो स्वास्थ्य या दीर्घ जीवन, दूसरा होता है शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच, और तीसरा होता है संसाधनों तक पहुंच। तो ये जानेंगे कि इनके माध्यम से किस प्रकार मानव विकास को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य के अंदर देखिए, स्वास्थ्य के अंदर कहता है भाई, इसमें है ना दो तीन चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले एक तो ये देखा जाता है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, और एक देखी जाती है उच्च जीवन प्रत्याशा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है, जीवन प्रत्याशा का मतलब जानो पहले आप। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, यहां पर जीवन जीने की औसत आयु जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं भाई, ठीक है। जीवन जीने की जो औसत आयु होती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो जन्म लिया जाता है उस समय, उससे तकरीबन ये मान के चलो कि यहाँ पर जो औसत मरने वालों की संख्या, जो आयु होगी, क्या वो 6 महीने है या 8 महीने है या 11 महीने है, या फिर वो उस देश के अंदर कितनी आयु तक जो बच्चे हैं वो जीवित रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है अगर उनके मरने वालों की संख्या कम है ना, और उसके साथ में उच्च जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है कि अधिक आयु तक जीते हैं, मान लीजिए 85 प्लस तक वहाँ पर औसत आयु है मरने वालों की, ठीक है। जिस प्रकार हमारे देश के अंदर 68 से 70 मानी जाती है, ठीक है, औसत आयु होती है लगभग हमारे अपने बुजुर्ग जो होते हैं इस वृद्ध अवस्था में आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है 68 से 70, ठीक है। उसी प्रकार कहता है कि मान लीजिए उच्च जीवन प्रत्याशा 85 प्लस है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, ठीक है, सभी सुविधाएं हैं। किसके लिए सुविधाएं हैं, दीर्घ जीवन जीने की सुविधाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो हॉस्पिटल की सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित, और दूसरा कहता है रहन सहन और खान पान की यहाँ पर अच्छी प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये देश जो है मानव विकास में उच्च स्तर पर अपने देशवासियों के लिए क्या कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या कहता है, शिक्षा या ज्ञान तक पहुंच, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक तो देखी जाती है प्रौढ़ साक्षरता दर। साक्षरता दर तो आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, प्रौढ़ साक्षरता दर यानी कि यहां पर जो वयस्क हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितने साक्षर हैं, लगभग 25 वर्ष की आयु वाले जो होंगे वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखा जाता है सकल नामांकन अनुपात। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी शिक्षण संस्थान के अंदर या किसी स्कूल के अंदर कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो रखा है, यानी कि कितने बच्चों का नाम दाखिला हो चुका है, ठीक है, नाम चल रहा है, उन दोनों की एवरेज निकाली जाती है। और उससे पता चलता है कि अगर मान लो अधिक लोग जो है यहाँ पर साक्षरता दर भी ऊंची पाई जाती है और साथ में नामांकन भी अधिक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर शिक्षा तक जो पहुँच है ना वो बिल्कुल आसान है, और वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को समय पर शिक्षा दी जा रही है, सरकार की अच्छी नीतियाँ चल रही है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी मानव विकास अधिक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर साक्षरता दर भी कम है और साथ में नामांकन भी नहीं हुआ बच्चों का, या फिर बच्चे जो है कुछ दिन स्कूल में जाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो कहता है कि उससे पता चलता है हमें कि उस देश के अंदर जो मानव विकास का जो स्तर है वो निम्न पाया जाता है। अब उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं हम, और तीसरा आता अपना संसाधनों तक पहुंच। इसके अंदर देखो भाई, इसमें कहता है यहां पर इसको चेक किया जाता है अमेरिकी डॉलर के अंदर क्रय शक्ति को देखा जाता है, अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति, ठीक है, इसके द्वारा एवरेज निकाली जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति कितने
डॉलर का या कितने रुपए हम मान के चलें कि एक करेंसी के अकॉर्डिंग कितनी सुविधाओं का भोग कर रहा है। अगर वो जितनी ज़्यादा सुविधाओं का भोग कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि उसके पास उतनी ही मात्रा में संसाधन पहुँच रहे हैं। ठीक है, संसाधनों तक पहुँचे तभी तो वो उनको खरीद रहा है। ठीक है, अगर उसके पास ये खरीदने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी संसाधनों तक पहुँच नहीं हुई है। तो ये तीन कारक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच, जिनके द्वारा मानव विकास को मापा जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें प्रत्येक का जो सूत्र होता है ना, उसको 1/3 भाग दिया जाता है। ठीक है, और उसके द्वारा निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है भाई, जिसको हम HDI बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि HDI से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो HDI का मतलब हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहां पर देखो कि ये HDI क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। तो सूचकांक को देखो, सूचक प्लस अंक भाई। ठीक है, सूचक का मतलब तो हो गया भाई इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, और अंक का मतलब हो गया रैंक। ठीक है, कहता है कि जो ये इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, इन इंडिकेटरों के हिसाब से विश्व के जितने भी देश UNDP की रिपोर्ट के अंदर शामिल होते हैं ना, अब इनकी संख्या जो 189 है भाई। 189 देशों में किस देश ने सबसे उच्च स्थान हासिल किया है और किस देश ने सबसे निम्न स्थान हासिल किया है, उसके हिसाब से उन देशों को रैंक देना क्या कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI का मतलब क्या हो गया कि इस विषयों के अंदर जितने भी देश इस UNDP की रिपोर्ट में शामिल होते हैं, उनके अंदर वहां पर हुए विकास के आधार पर उन देशों को रैंक देना क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है, यानी कि HDI कहलाता है। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या होता है, इनका जो होता है, इसका जो मान होता है HDI का, वो किस आधार पर मापा जाता है, तो जिसका मान होता है 0 से 1। ठीक है, ये प्रश्न बनता है ये भी कि HDI का मान कितना होता है, तो 0 से 1 का होता है भाई। इसमें जो है, अगर जिस देश का मान 0 के जितना नज़दीक होगा ना, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा निम्न मानव विकास वाला देश। ठीक है, तो यानी कि उसको कहाँ पर रखेंगे, निम्न स्तर पर रखेंगे। लेकिन जो देश 1 के जितना नज़दीक होगा, ठीक है, उसे उच्च स्तर वाला देश माना जाता है मानव विकास रिपोर्ट में। ठीक है, जिसका रैंक 1 के नज़दीक आता है वो देश उच्च स्तर वाला कहलाएगा, जिसका रैंक 0 के नज़दीक आता है उसका निम्न स्तर वाला कहलाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी रैंक निकलते हैं वो पॉइंट में होते हैं, 0.938 हो सकता है, ठीक है, या फिर 0.263 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में इसका मान आता है भाई। तो इसका मान किसके बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, इस 1 को क्या किया जाता है, इस 1 को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 0.33 इसका और 0.33 इसका। ठीक है, यानी कि हर एक को, एक हिस्से को क्या करते हैं, 3 हिस्सों में बांट दिया, और यहाँ से फिर इनकी रैंक निकल करके आती है, और उसका टोटल उस देश की मानव विकास की स्तर को दर्शाता है। अब आगे बात करते हैं कि जो मानव विकास है ना, ये एक विश्वसनीय माप नहीं है, ये भी कहता है। इसके अंदर कहता है कि ये जो मानव विकास की जो रिपोर्ट निकल करके आती है, ये विश्वसनीय माप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये एक देश के अंदर उसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। देश की उपलब्धियों को दर्शाया किसने, मानव विकास रिपोर्ट ने। ठीक है, मानव विकास का जो अपना जो HDI है, मैं HDI लिख देता हूँ यहाँ पर, HDI जो होता है वो क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है किसी भी देश की उपलब्धियों को। लेकिन ये जो है ना, इस उपलब्धियों के वितरण को नहीं दर्शाता भाई। मान लो ये देश है, ठीक है, मान लो कि अपना भारत देश है, ठीक है, मान लो भारत देश है, भारत देश के अंदर प्रत्येक उपलब्धि को दर्शा करके इसने रैंक हासिल कर ली 0.783 मान लो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, और ये पहुँच गया विश्व के 10वें स्थान पर पहुँच गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसके एवरेज उपलब्धियों को दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पर उसके वितरण को नहीं दर्शाया कि वे किस समुदाय तक तो इसकी सुविधाएँ पहुँची हैं। ठीक है, कौन से समुदाय पीछे छूट गए हैं, जो छूट गए हैं उनके बारे में तो नहीं बता रहा ये। मान लो एक क्षेत्र के अंदर जो विकास हो सबसे ज़्यादा हुआ, और वहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं को देख लिया जाए, लेकिन दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँची नहीं है, तो ये कहता है कि उस वितरण को नहीं देख रहा है ये औसत को दर्शा रहा है, औसत उपलब्धियों को जो देश ने हासिल की है ना,
उन उपलब्धियों को शामिल कर रहा है, लेकिन वितरण को नहीं देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई। तो इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए कहता है हमारे पास है मानव गरीबी सूचकांक भाई, ठीक है, वुमेन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक, HPI, वुमेन पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या करता है, ये बताता है कि कहां पर कमी है, ठीक है। ये भी HDI से जुड़ा हुआ है और इस रिपोर्ट को भी ध्यान से देखा जाता है जब किसी देश के विकास की बात की जाती है। तो यहां पर ये किसको देख रहा है, ये देख रहा है कि जिन क्षेत्रों में उपलब्धियों में कमी आई है, यानी कि वितरण में जो चीजें उपलब्धियों में जो चीजें छूट गई हैं, उपलब्धियों में कमी कौन देखता है, वुमेन पॉवर्टी इंडेक्स देखता है भाई, ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक। अब ये किन किन चीजों को मापता है, इसके पक्ष कौन कौन से, ये देखता है कि 40 वर्ष से कम आयु, 40 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनके जीवित रहने की कितनी संभावना है। अगर मान लो 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति मर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, उस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं, पहला हो गया। दूसरा ये देखता है प्रौढ़ निरक्षरता दर, प्रौढ़ निरक्षरता दर, वो क्या देख रहा था, वो देख रहा था साक्षरता दर को कि कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये देखता है किसी क्षेत्र के अंदर कि यहां पर अनपढ़ कितने रह गए हैं, ठीक है, अनपढ़ कितने रह गए हैं। उसके बाद तीसरा क्या देखता है, ये तीसरा देखता है कि स्वच्छ जल जो है ना, साफ जो पानी है, उसकी पहुंच कितने लोगों तक नहीं है, ठीक है ना, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वच्छ जल से छूट गए हैं, वहां तक पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर चार पर देखता है कि कम भार यानी कि कम वजन वाले जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको देखता है कि उनकी संख्या उस देश में कितनी है। ये चार चीजें हमें क्या बताती हैं कि किसी देश के अंदर जो छूट गए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जहां जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंची है, उनकी संख्या कितनी है। अगर उनकी संख्या और यहां पर जो HDI का रैंक दोनों देखे जाते हैं, दोनों को मिलाकर के फिर क्या किया जाता है, फिर किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, जिससे क्या पता चल जाता है, जिससे पता चलता है कि उस देश में उपलब्धि कितनी हुई है और कमी कितनी रह गई है, और उससे उस देश में सुविधाओं की तरफ फिर ध्यान दिया जाता है। और ये कहता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें अभी तक तो इतना ही है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसके अंदर सुधार किया जा रहा है। जैसे इसके अंदर है ना, इसमें एक तो भ्रष्टाचार को शामिल कर रहे हैं कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है भाई, ठीक है, और दूसरा कि किस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी है। ऐसा तो नहीं कि कोई देश में एक ही पार्टी और वही कब्जा करके बैठी हो, किसी नए व्यक्ति को मौका ही ना दिया जा रहा हो आगे आने का, या उस देश में भ्रष्टाचार का स्तर कितना है। अगर ये चीज़ें और शामिल हो जाती है मानव विकास रिपोर्ट के अंदर, तो कहता है कि काफ़ी देशों के अंदर इन भ्रष्टाचार और इनके बारे में पता चल जाएगा। तो इसके अंदर नई नई विधियाँ जो होती है ना, वो शामिल होती रहती हैं। अब आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भाई, यानी कि अलग अलग विषयों के अलग अलग देशों में इसका स्तर किस प्रकार देखा जाता है। तो देखिए, मानव विकास जो है ना, मानव विकास जो है वो ना तो आकार पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ना ही प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना तो आकार पर डिपेंड करता है और ना ही प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है। किसी भी देश का आकार चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही प्रति व्यक्ति आय से फर्क पड़ता है। ये कहता है कि कुछ देश ऐसे हैं जो आकार में भी छोटे हैं और प्रति व्यक्ति आय भी उनकी क्या है, बहुत कम है, लेकिन मानव विकास के अंदर ना बहुत अच्छा रैंक लेकर के बैठे हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, इनके बारे में जानेंगे हम, ठीक है, बड़े देशों के साथ तुलना करेंगे थोड़ी सी। तो यहां पर कहता है भाई, उदाहरण दिया इन्होंने भारत का, कहता है भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या मामले में दूसरा है और क्षेत्रफल के मामले में सातवां स्थान आता है, और अपने आप में जब अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो हमारी जो GDP है जो विश्व के टॉप फाइव कंट्रीज के अंदर भी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है जब उसकी बात की जाती है अर्थव्यवस्था की, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है ना श्रीलंका, वो भी HDI रैंक में हमसे ऊपर है भाई, ठीक है, HDI रैंक में हमसे ऊपर है। इसका कारण क्या है, लोगों सामाजिक सेक्टर में किस देश ने कितना खर्च किया है, ठीक है, लोगों की जरूरतों को कौन समझ पा रहा है,
ठीक है, लोगों के साथ कौन जुड़ा है, ये सबसे बड़ा कारण इसका, सामाजिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना, निवेश करना पैसे को। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं कि विषयों के अंदर जो है देशों को कितने आधार पर बांटा जाता है। जो मानव विकास का जो मान दिया गया था 0 से 1, या हम बात करें इसकी इंडेक्स की, इसकी रैंकिंग की बात करें, तो इसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो हम अकॉर्डिंग बात करेंगे एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के अंदर 4 बना रखे इसके, अति उच्च सूचकांक वाले देश, और इसका जो मान होता है ना वो 0.793 से ऊपर दे रखा है, 0.793 से ऊपर। इसमें जो देश आएगा ना, या इससे ऊपर का जिसका रैंक होगा, उसे अति उच्च विकास वाला देश माना जाता है। और कहता है विश्व में है ना इसमें 47 देश आते हैं भाई, ठीक है। और सबसे पहली जो रैंक है ना विश्व में, वो आती है नार्वे की, जो काफ़ी समय से बरकरार बनी हुई है। नार्वे के अंदर जो है मानव विकास उच्च स्तर पर है, ठीक है। सबसे पहली जो रैंक है, फर्स्ट रैंक जो है नार्वे देश की है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, इन्होंने बना रखा है एनसीईआरटी वालों ने, उच्च सूचकांक वाले देश, ठीक है। और इसका जो इन्होंने रैंक निकाला है वो निकाला है 0.698 से लेकर के 0.793। इसके अंदर भी कहता है 47 देश आते हैं। तीसरा कहता है मध्यम, ये 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 2013 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बांटा था देशों को, इसमें आता है मध्यम के अंदर 0.522 से लेकर के 0.698, और इसके अंदर भी कहता है 47 देश आते हैं। और नंबर 4 पर आता है निम्न सूचकांक वाले देश भाई, ठीक है, और इसमें आएगा 0.522 से नीचे, ठीक है, और इसमें 46 देश आते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो देश जो होते हैं ना वो 187 बनते हैं, लेकिन अब जो मानव विकास रिपोर्ट है ना उसके अंदर 189 देश हैं, शामिल हैं 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और मैं अगर भारत की बात करूँ तो भारत का 129वां रैंक है, ठीक है। नार्वे पहले उस पर आता है नंबर पर, और हमारा देश 129वें स्थान पर है भाई, ठीक है, ठीक है। 189 देशों में 129वें स्थान पर हमारा देश है। जो 189 के जितना नज़दीक होगा ना वो निम्न सत्र के अंदर शामिल किए जाएंगे। अदर बुक में है ना आपको अति और जो उच्च वाला जो आंकड़ा है ना वो बिल्कुल एक जैसा मिलता है, और इसमें जो है ना 0.8 से ऊपर दिया मिलेगा, 0.8 से ऊपर, ठीक है। और बीच में जो ये रह गया है ये 0.593 से लेकर के और 0.799 तक मिलेगा ये आंकड़ा, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी के साथ ही चलेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो अलग अलग आंकड़े हैं, जो अलग अलग देश हैं, वो किस प्रकार पिछड़े हुए हैं, कि एक देश तो उच्च स्तर पर आता है और एक देश जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उच्च श्रेणी में आते हैं ना, चाहे वो अति उच्च में आता हो या उच्च में आता हो, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कहता है कि उन्होंने ना शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जबरदस्त निवेश किया है भाई, ठीक है। पैसा लगाया उन्होंने अपने सेक्टर के ऊपर, ठीक है। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य तक जोड़ा है उन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति को। और जिन्होंने इनके अंदर सबसे ज्यादा निवेश किया है ना वो उच्च श्रेणी में चले गए हैं, जिन्होंने सामाजिक सेक्टर में पैसा खर्च किया है, ठीक है। फिर दूसरी बड़ी बात क्या है इनके अंदर, कि इनमें है ना कुछ देश ऐसे हैं जो एक समय पर साम्राज्य शक्तियां रही हैं, यानी कि इन देशों ने या इन क्षेत्रों ने किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है, और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इन्होंने शासन किया है। तो इसीलिए इनके पास क्या है, इनके पास संसाधन और स्रोत जो है ना, सोर्स जो है वो अधिक हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, औद्योगिकरण जो है ना वो बड़ा तेजी से हुआ है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे यहाँ पर क्रांति हुई, जिसमें काफ़ी क्या बोले विकास हुआ है, ठीक है, विकास की क्रांति हुई यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करें मध्यम श्रेणी की, बात करें कि मध्यम श्रेणी वाले देश जो हैं उनके साथ क्या बीती, कौन से देश आते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो कहता है कि इसमें है ना वे देश शामिल होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिन्होंने विकास करना शुरू किया है, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिनका अस्तित्व निकल करके सामने आया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1947 से लेकर के 45 में, ठीक है, और भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, ठीक है। तो भारत मध्यम श्रेणी में आने वाला देश है, वो भी उसने भी अपना जो विकास का जो कार्यक्रम था ना वो 1947 के बाद ही शुरू किया। उसके बाद इसमें वो देश भी शामिल होते हैं जो कभी ना कभी किसी देश के उपनिवेश रहे हैं,
उपनिवेश का मतलब आप जानते ही होंगे कि किसी दूसरी शक्ति का गुलाम होना। तो भारत का ये एग्जाम्पल भारत का अच्छा रहता है, ठीक है। वो भी एक जो ब्रिटेन जो शक्ति थी उसका गुलाम रहा है काफ़ी समय तक, ठीक है। तो ये कहता है कि उपनिवेश रहे या शोषण हुआ जिन देशों का, वो देश में शामिल है। कुछ जो हम बात करें सोवियत जो संघ था ना, जब उसका विघटन हुआ तो काफ़ी जो देश हैं वो अलग हुए थे भाई, उनका निर्माण हुआ, तो वो देश इसके अंदर शामिल हैं जिन जिनका जन्म सोवियत संघ के टूटने से हुआ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि इस देश के अंदर अलग अलग सामाजिक विविधता वाले लोग रहते हैं, सामाजिक विविधता, ठीक है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिससे क्या होता है सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न श्रेणी की, और निम्न श्रेणी में कहता है कि या तो वे देश जो हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है, और उन्होंने किसका सामना किया है, उन्होंने सामना किया है राजनीतिक उपद्रव का, ठीक है, जिसको हम उपद्रव कहते हैं, राजनीतिक उपद्रव का सामना किया है, या फिर वहां पर गृह युद्ध हुआ, जहां पर गृह युद्ध हुआ यानी कि एक देश के अंदर अपने देश के भीतरी भागों में किसी सामाजिक स्थिरता के कारण जहां पर बार बार आपसी झगड़े होते रहते हैं, या फिर अकाल का कारण हुआ, या फिर कोई देश बीमारी या किसी महामारी का शिकार हो गया ना, वे देश निम्न श्रेणी के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में, जो मध्यम श्रेणी वाले जो देश हैं अब क्या कर रहे हैं, लोकोन्मुखी जो नीतियाँ होती हैं यानी कि लोगों को ध्यान में रख करके जो विकास कार्य करती हैं उस क्षेत्र में काफ़ी निवेश कर रहा, अपना पैसा लगा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पैसा लगा रही है, लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रही है। तो ये कहता है कि ये जो है उच्च श्रेणी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये भी इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, इन्हें भी सामाजिक सेक्टर में निवेश करना पड़ेगा अगर इनको विकास करना है तो भाई, ठीक है, सामाजिक सेक्टर में निवेश करेंगे तभी लोग खुश होंगे, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है, और जब लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो वो अपना विकास खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शामिल है। अब इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी देश को ना अपनी एक देश तो ऐसा होता है कि प्रतिरक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा हो, ठीक है, कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बजाय उसका जो टोटल इनकम का जो कुछ परसेंट जो पार्ट होता है ना सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा पर यानी कि देश की सुरक्षा के ऊपर, कभी हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, कभी हमें हथियार खरीदना है, उसके ऊपर खर्च हो रहा हो, और एक देश ऐसा हो जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जा रहा हो यानी कि लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा हो। तो कहता है जो लोगों के ऊपर जो खर्च करेगा ना सामाजिक सेक्टर में जो खर्च करेगा, कहता है वो देश विकास करेगा भाई, और ये देश जो है ना निम्न श्रेणी के अंदर या मध्यम श्रेणी में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, मानव विकास वाला लेसन जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर हमारी जो है टोटल वीडियो 4 हो गई है, 4 को ध्यान से देखिए, बुक पढ़िए, और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की समस्या को दूर करने की। धन्यवाद।